वतन गेला जान घोरी बोएब थोरी अला सिंधुन जान न घोरी वतन घोरी धारन वांग्या जदही सिंधु वनील सदा अला जय झूलेलाल। दोस्तों, सिंध अड़ी सुहणी सिंध के कोई अमर चवे तो कोई जीजन। शायर सुहणी सिंध के मथा कलम आजमाई दे चयो आहे सिंध मोहे जी अमा सुहा तो है जी अमथा छा लिखी सिंध मोहे जी अमा सुहा तो है जी अमथा सिंध मोहे जी अमा सुहा तो है जी अमथा छा लिखी एक पला सिंधु नदी जैसी गर्जना स्वर्ग लोक तक पहुंचनी है उनके किनारे से असि ऋषि मुनन वेद पुराण उन्हीं सिंधु नदी के किनारे ते असा वडड़ा वसया सिंध ते वसल सिंध के असने वडणन यानि आर्यन वस सिंधु में आयो हिंद ही नालो क्या आयो सिंधु नदी में आयो इंडस इंडस में आयो इंडिया इंडिया में आयो हिंद यानी हिंदुस्तान लुक एट हिस्ट्री इतिहास गवाह है तो फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी बीसी का सिंध एक तरह से हिंद की झाल है सिंध जो सरहदों काफ़ी हद तक फैलल हुई उत्तर में मुल्तान कंधार ए कश्मीर तीन ओभर में कनौज तक दोस्तों एक गाल काबिले गौर है सिंध धारियन हिंदुस्तान में दाखिल थे अचण ला दरवाजो एक ही दरवाजो छाकाण हिंदुस्तान के टिन तरफ समुंड है ए चौथी तरफ यानी उत्तर में हिमालय है तेरे करे सिंधु ही दरवाजो धारियन के लिए हिंदुस्तान में अचण ला सिंध वॉज द ओनली गेटवे टू इंडिया फॉर अटैकर्स एंड इन्वेडर्स जने जने हिंद ते हमला थे हिंदुस्तान ते हमला थे तरह चांबाज ए सूरमा सिंधन उन्हें जो मुकाबलों के हिम्मत से बहादुरी से मुकाबलो असले सिंधी सूरमन कैसा ने मुकाबलो दारा से मुकाबलो सिकंदर से टक्कर दी अरबन से भी मुंह तोड़ टक्कर दी दोस्तों सिंधी जमीन सिंधी सरजमीन ते अड़न सूरवीरन जो जन्म थो असा उन्हें सूरवीरन की अड़न बहादुर की औलाद आयो असा के इन गाल फख्र होना खे जांबाज सिंधी सूरमा सिंधी ए सिंधु हिंद जो आखिरी सम्राट हो राजा ताहिर सिंह जांबाज
सूरमा बहादुर। शुरुआत में इस्लामी दौर की शुरुआत में सिंध पे काफ़ी हमला था इस्लामी हमलावर, लेकिन हमेशा इस्लामी हमलावरन के शिकस्त आ गई थी, उन्होंने हार विसरी पड़ी। छाकाणि जो सिंधी सूरमा सिंधी जाबाज़ उन्हनि सां मुक़ाबिलो कयो, उन्हनि खे अहिड़ी शिकस्त ॾिनी जो हू वापसि हलाए वेंदा हुआ। लेकिन 710 में अरबी हमलावरनि मोहम्मद बिन कासिम सां गॾिजी करे हिकु षडयंत्र रचियो, साज़िश रचियो। हिन साज़िश में हुननि सिंध जे राजा दाहिर सेन ते हमिलो कयो, लेकिन आख़िर राजा दाहिर सेन षडयंत्र जो साज़िश जो शिकार थियो। दोस्तों, सिंध जे इतिहास में अहिड़ी जंग कॾहिं न थी। राजा दाहिर सेन हिन जंग में वीरगति हासिल कई, ऐं तंहिंखां पोइ हुनजी राणी महाराणी लाली देवी जंग में हाज़िर थी हमलावरनि सां मुक़ाबिलो करणु। हुन मुक़ाबिलो कयो बहादुरी सां, सुरमाई सां, लेकिन जॾहिं हुनखे महसूसु थियो त हू मुक़ाबिलो न करे सघंदी ऐं जंग में हुनखे हार हासिलु थींदी, तॾहिं हू रणभूमि तां जंग जे मैदान तां वापसि महलात में आई ऐं हज़ारे स्त्रियुनि सां गॾिजी करे बाहि में टपो ॾिनो पंहिंजी इज़त बचाइण लाइ। अरबनि जे फतह सां शुरू थियो अरबनि जे हुकूमत जो दौर, ऐं हिन तरह अरबी हुकूमत जे दौरान अरबी लिपीअ जो इस्तेमालु शुरू थियो, जो अॼु बि बरक़रार आहे। अरबनि खां पोइ सिंध ते ज़ुल्म थींदा रहिया, सिंधनि ते ज़ुल्म थींदा रहिया, सिंध ते काफ़ी ॼणनि राज कयो। सिंध ते सूमरनि, मुग़लनि, कलोड़नि ऐं मीरनि जो राज थियो। मीरन टालपुरन सिंध ते 60 साल राज कयो ऐं सिंध जी काफ़ी तरक़ी, इकोनॉमी सुधरी, कॉलेजिस खुलिया, बिज़नेस इंप्रूव थियो। लेकिन जॾहिं ब्रिटिश इंडिया में आया, सिंध में आया, तॾहिं हुननि मीरन खे क़ैद करे सिंध ते कब्ज़ो कयो ऐं सिंध ते राज करणु शुरू कयो। सिंधियत माना छा? वॉट इज़ सिंधियत? सिंधियत माना सिंधी क़ौम जो खाइण पीअण, रहणी सहणी, आचार विचार, सोच, महमान नवाज़ी ऐं हर ॻाल्हि ज़िंदगी सां ताल्लुक़ु रखे, हुनखे चवंदा आहिनि सिंधियत। सिंधियत ऐं असांजी तहज़ीब केतिरी महान आहे, केतिरी प्राचीन आहे, उहा ख़बर दुनिया खे तॾहिं पई जॾहिं इंडस वैली यानी सिंधु वैली में जॾहिं खोटराई थी, एक्सकवेशन थी ऐं हुते मोहन जो दड़ो पायो वियो। मोहन जो दड़ो यानी माउंट ऑफ द डे। मोहन जो दड़ो खे अक्सर ॿियनि भाषाउनि में मोहन जो दड़ो चवंदा आहिनि, विच इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ मोहन जो दड़ो यानी माउंट ऑफ द डे। हिन दड़े ते जेके घर मिलिया, काफ़ी हज़ारे घर मिलिया, उहे घर तमामु वेल प्लैन हुआ। उन घर में बाथरूम्स तमामु वॾा हुआ, ड्रेनेज सिस्टम तमामु सुठी हुई ऐं जेको टाउन प्लानिंग थियलु उहो तमामु सुठो हुयो आर्कियोलॉजिकली ऐं आर्किटेक्चरली। मोहन जे दड़े मां असांखे ख़बर पई त असांजी संस्कृति, सिंधु संस्कृति, सिंधी तहज़ीब केतिरी महान आहे ऐं केतिरी प्राचीन आहे। हर क़ौम जे तहज़ीब जी सुञाणप हुन जे रहणीअ तां, उन जे वीचारनि तां, उन जे ॾिण वारनि तां ऐं उन जे वरसे तां पवंदी आहे। ऐं हर इंसान खे पंहिंजे वरसे ते नाज़ थींदो आहे, फ़ख़्रु थींदो आहे, ऐं इहो वरसो हुनखे जनम खां ई मिलंदो आहे ऐं जनम खां वठी मृत्यु ताईं हू पंहिंजे वरसे सां ॻंढियलु रहंदो आहे, जुड़ियलु रहंदो आहे। ऐं पूजा पाठ, धर्म कर्म, मंदरु, गुरुद्वारो, टिकाणो, हर शइ हू फॉलो कंदो आहे पंहिंजे वरसे जे हिसाब सां। असांजा कुझु ॾिण वार आहिनि जेके असांजी ज़िंदगीअ में तमामु वॾी अहमियत रखनि था। असांजा ॾिण वार आहिनि टीजड़ी, सुहाॻिणियुनि जो ख़ासि ॾींहुं, थधड़ी, शीतला माता जो ॾींहुं, तिरमूरी, लाल लोही, होली, ॾियारी ऐं मुख्य ॾिणु चेटी चंड। चेटी चंड झूलेलाल जे जनम जो ॾींहुं करे मल्हायो वेंदो आहे ऐं हिन ॾींहं ते सिंधियुनि जे नए साल जी शुरूआति बि थींदी आहे। चेटी चंड यानी सिंधी नओं साल। संसार जे तमामु प्राचीन झूने में झूने ऋग्वेद में चयो वियो आहे त जॾहिं ॿियनि हंधि इंसान कपिड़ो न पाईंदो, कपिड़े जो ईजाद न थियो, तॾहिं सिंध में माण्हू कपिड़ो पाईंदा हुआ।
छाकाणि जो सिंध में कपह जी पोख थींदी हुई, कपह जी पैदाश थींदी हुई। तंहिं करे सिंध जा माण्हू कपह पोखींदा हुआ, कपिड़ो उणींदा हुआ ऐं पाईंदा बि हुआ, उन जो वापारु बि कंदा हुआ। ऐं तंहिं करे ॿेड़ियुनि जे ज़रिए, शिप जे ज़रिए उहो ॿियनि देशनि में वञी करे बि कपिड़े जो वापारु कंदा हुआ। सिंधी जल ऐं ज्योतिअ जी पूॼा कंदा आहिनि, छो जो पाणीअ ते समुंड में वापारु कंदे कंदे सिंधी जल जी पूॼा करणु लॻा, ज्योतिअ जी पूॼा करणु लॻा। ऐं सॼे सिंध में रिवाज़ु शुरू थियो जल ऐं ज्योतिअ जी पूॼा करण। दोस्तो, छाकाणि त घणनि ई आपदाउनि खे मुंहुं ॾेई सिंधी वापारी जॾहिं सत समुंड पार करे वापार लाइ वेंदा हुआ, त सदन स्त्रियूं वरुण देवता यानि जल देवता अॻियां पलव पाए इहा मंगल कामना कंदी हुई त सदन भतार सुख सां यात्रा करे घर वापसि अचनि। गॾो गॾु हू सारे संसार जी बि मंगल कामना कंदी हुई। दोस्तो, इहा हक़ीक़त आहे त सिंधी स्त्रियूं ख़ूबसूरत हूंदी हुयूं, ख़ूबसूरत आहिनि। ऐं जॾहिं हू सोन पाईंदी हुयूं ऐं हाणे जॾहिं बि सोन पाईंदियूं त उन्हनि जी सुंदरता, उन्हनि जी ख़ूबसूरती में वधीक इज़ाफ़ो अची वेंदो आहे। शादियूं सूरमियूं जीअं त लीला जो नव लखो हार, मूमल जा मणिया, ससुए जा मन मोहींदड़ ॻहणा, तंहिं वक़्त जा मशहूरु ज़ेवर हुआ। त आसूदगी ॾेखारण लाइ यानी प्रॉस्पेरिटी ॾेखारण लाइ मर्द बि पुठियां न हुआ, उहे बि सोन पाइण जा काफ़ी शौक़ीन हुआ। सोन जा बटण पाईंदा हुआ, ॾंदनि जे मथां टोपी चढ़ाईंदा हुआ यानी कैप चढ़ाईंदा हुआ, यानी सोन पाइण में सिंधी मर्द बि पुठियां कोन हूंदा हुआ। सिंध में ॿार जे ॼमण सां छठी मल्हाइणु, मुलणु ऐं झणा पाइणु, हे रीति रिवाज हूंदा हुआ ऐं इहे ज़ोर शोर सां मल्हाईंदा हुआ। शादी जो मामलो ई अलॻि हूंदो। अहिड़ो अॼु पापड़ मंझि पाए, पापड़ पुनल हथ में, पापड़ पुनल हथ में वेठो चोखनि सां खाए, अड़ी ईअं नथो भाए। शादी जी वेॾी सॼी राति हलंदी हुई, पोइ बेशक घोट कंवार वेठा झूठा खाइनि, कोई परवाह न कंदो, वेली हलंदी सॼी। सिंधी खाधनि जो जवाबु ई कोन्हे। नाला यादि ईंदे वात में पाणी ईंदो ई आहे, तव्हांजे बि वात में पाणी आयो आहे न। कढ़ी चांवर, दही कोकी, दाल पकवान, मालपुआ, साई भाॼी, गुड़ पाती रोटी, सीरो पूरी, दाल मुङ, ढोढो चटणी, कुन्हे जा बीह, गीहर पटाटा, दही पाणी पाता, बसर, गजरुनि जी खटाइण ऐं पापड़। जंहिं बिना असांजी रोटी अधूरी लॻे थी ऐं जेका असां सिंधी क़ौम जी हिकु सुञाणप आहे, हिकु पहचान आहे, आइडेंटिटी आहे, ऐं जंहिं बिना असांजी महिमान नवाज़ी, असांजी ख़ातिरदारी अधूरी मञी वेंदी आहे। महिमान नवाज़ीअ में सिंधी पंहिंजो मटु पाण आहे, हट खुटाए बि महिमाननि खे खाराईंदा, महिमान नवाज़ी कंदा, ख़ातिरदारी कंदा। सिंधियुनि जो हिकु ई इष्ट देवता आहे उॾेरो लाल। जॾहिं बादशाह मिर्ख सिंधियुनि जे मथां ज़ुल्म कया,
फरमान शहंशाही, हुकुम सुल्तानी, बादशाह मिर्क शाह हुकुम जारी कयो आए, गैर मुस्लिम सिंधवासी टिंडियन अंदर शाही मस्जिद में अची इस्लाम कबूल कन या तो सिंध छड़े वन। हुक्म जी नाफरमानी लाए सजाए मौत। खुशी थी आए जो तुम्हां पेंजे साथी सा गद असा जो इस्लाम कबूल करना आया आयो। हाँ गरीब नवाज, असा हिंदुन जो एक अर्ज आए, इस्लाम कबूल करण खां अग धर्म छड़न जी इजाजत पेंजे भगवान खां तो वठूं। तुम्हारे जो पत्थर जो भगवान गाले जो की है जो न खां इजाजत वटंदा। तने सिंधन उडेर लाल के याद कियो ए उन अच्छी सबनी सिंधन के मिर्ग खां बचाए उन जी हिफाजत कई। मारा दरिया शाह दादला मिर्ग बादशाह जी जुल्म ए डाढ़ण खां बचण लाए असा अवां जे शरण में आया हूं। हाने रख जे लाज शर्मा ओ जो डकी सान गुदार को आयो लाल सबई जो उडेरो लाल के ही चोना हन झूलेलाल। झूलेलाल हमेशा सिंधन के यो ही संदेश दिनों तो भाईचारे में रहो, सुख शांति में रहो। सिंधु देश साधुन महात्माओं संतन ए दरवेशन की भूमि है, जिन जो जीवन महान आदर्शन से भरल है। सिंधु के महान संतन की गाल थे उनमें महान शहीद अमर शहीद संत कंवर राम जो जिक्र न थे ये की थी सिंध। अमर शहीद संत कंवर राम महान संत हुआ, सच्चे संत साईं सतराम दास पहली नजर में ही उनके पहनजी अखिन में समाये छड़ियो, पहनजी शरण में जाए दिनी। संतन जो हिक ही उसूल हो, सच जो सौदो करण ए खल्क जी खिदमत। सिंध जी पवित्र भूमि में घणनी सितारन जन्म वरतो, उनन में अड़ी सदी जा टे बुलंद सितारा हुआ, चमकंदड़ सितारा हुआ, शाह सचल ए साधु। इन महान कविन पंजे महान काव्य ग्रंथन में चयो है तो पवित्र प्यार ए सूह परमात्मा जो ही रूप है, आत्मा ए परमात्मा जो ही रूप है। शाह अब्दुल लतीफ शाह जे लिखल रिसाले में 6,500 का भी वधिक बैत लिखल है। रिसाले के कवि जगत में महाकाव्य ग्रंथ या एपिक करे लिखे वने तो। शाह साहब एक सच्चो वतन परस्त इंसान हो, जैंजी जिंदगी तोड़े कलाम देश प्रेम जो संदेश दियन था। नंगड़ा निमाणी दा जीवें तीवें पालना ही बोल तवा सबनी बुधान, ही बोल लिखा है महान कवि सचल सरमस्त। शाह अब्दुल लतीफ साहब जने दराजन जे दौर ते व्या ते तने 5 सालन जे नींगर सचल के दिसी उन्हें फरमायो तो जेका देग असा चाढ़ी आए उन जो ढक बानड़ी आया मत गोलड़ी आया। ई 5 सालन जो नींगर लाहिंदो ए उन जो चवण बिल्कुल सही साबित थियो। शाह जे गुझे रूहानी राज के सचल जाहिरी नमूने समझायो आए। संदन काव्य में मंसूरी मस्ती आए, सिंधन जी महान त्रिमूर्ति आए शाह सचल ए सामी। सिंधी काव्यधारा भक्ति काव्यधारा में 4,000 का वधिक श्लोक लिखा है सामी साहब। पहले गुरु जे ज्ञान कृपा वेदांत जे उच्चार द्वारा आत्मिक ज्ञान पैदा कियो ए उन जो रस सिंधी लोक के चखायो। दोस्तों सिंध ते 1783 का वठी 1843 ताईं मीरन जो राज हो, जिनके अंग्रेजन चालाकी से पैं कैद में कियो
ऐं तंहिंखां पोइ शुरू थियो सिंध ते अंग्रेज़नि जो राज, अंग्रेज़नि जी हुकूमत। आज़ादी जी लड़ाईअ में, हर लड़ाई में सिंधियुनि बि बहिरो वरितो। दोस्तो, अंग्रेज़नि खां आज़ादु थियण लाइ स्वतंत्रता जे हर संग्राम में सभिनी सिंधियुनि जो हिकु ई बुलंद नारो हो, कान खपे कान खपे थारी सरकार, कान खपे कान खपे कान खपे विदेशी सरकार, कान खपे। सिंधियुनि जो ई बुलंद नारो ॿुधी अंग्रेज़ी सरकार बि दहशत थी, सिंधियुनि बहिष्कार कयो विदेशी कपिड़े ते, विदेशी शराब ते, ऐं उन्हनि सरकारी नौकरियूं बि छॾे। छाकाणि जो हर सिंधीअ जो हिकु ई मक़सदु हो, आज़ादी, हिंदुस्तान जी आज़ादी। भारत छोड़ो आंदोलन में सिंधी नेताउनि जी गिरफ़्तारी खां पोइ सिंधी विद्यार्थियुनि ऐं नौजवाननि पहलाज राय राजपाल जे अॻवानीअ में हिसो वठणु शुरू कयो, इनिशिएटिव वरितो। हिननि अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु नारेबाज़ी हणणु शुरू कई, उन्हनि अंग्रेज़ी जी प्रॉपर्टी नष्ट करणु शुरू कई, पोच दॿा जलाया, रेलवे जी पटरियूं उखाड़ी, सरकारी खज़ानो लुटियो, हर तरह जी ॻाल्हि कई जंहिंमें ब्रिटिश सरकार हिकदमि तंग थी वई, परेशान थी वई। महान क्रांतिकारी, आफ़्ताबे इनकलाब ऐं बेडपो फियरलेस परचो विद्यार्थी हमेशह चवंदो हो, अंग्रेज़ी सरकार वटि अञा अहिड़ी का बि गोली न ठही आहे जेका मूंखे लॻी सघे। मुंहिंजे नाले ऐं हिकिड़ो ॿियो ॼणो हुओसीं, टे ॼणा हुआसीं। मूंखे फांसी सज़ा ॾिनऊं ऐं ॿ ॼणा जेके ॿिया हुआ तिन खे 20-20 साल सज़ा ॾिनऊं, ॾियारे मोकिलियोसीं। मूंखे बि रखियो अथई जेल, कराची जेल में, ऐं हुनखे मूंखे हैदराबाद में, हिकिड़े मूंखे सखर जेल में। दोस्तो, अंग्रेज़ी सरकार बि परचो विद्यार्थी खां ॾकंदी हुई। दोस्तो, हुन वक़्तु परचो विद्यार्थी जे ख़िलाफ़ु घणनि ई केसिस खे गॾु करे उनखे 83 सालनि जी सज़ा ॾिनी वई, डिक्लेयर कई वई। लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट खां हाई कोर्ट में अपील हली त असांखे 83 साल सज़ा मिली, यानी फांसी लाहे छॾियो, सज़ा ॾियूं 3 साल। पोइ कढी वरी साॻी रवाजी करे हक़त करे कयूं, ॿिया जेके असांजा 15 खनि माण्हू हुआसीं। लेकिन परचो विद्यार्थी कॾहिं बि अंग्रेज़ी सरकार जे हथ न लॻो। उन वक़्तु परचो विद्यार्थी जे ख़िलाफ़ु 15,000 रुपया इनाम हो, लेकिन परचो विद्यार्थी अंग्रेज़ी सरकार जे हथु लॻो ई कोन। अहिड़ा सिंधी सूरमा, असांजा देशभक्त, असांजा महान सिंधी, महान नौजवान, जिन असांजे लाइ हिकु वॾी मिसाल क़ाइमु कई, असांजे लाइ हिकु वॾो आदर्श क़ाइमु कयो। वंदे मातरम, इनकलाब ज़िंदाबाद, भारत छोड़ो, करो या मरो, हिननि नारनि सिंध जे आज़ादी प्रेमी जनता में क्रांतीअ जी, इनकलाब जी बाहि धकाए छॾी। ऐं 19 सालनि जो हिकु नौजवान हेमू कालानी क्रांतिकारी थी वियो, इनकलाबी थी वियो। हिते बरकरार लिखी लिखी कमु कंदा, बुलेटिन ठाहे करे राति जो पेस्ट करे ईंदा सॼे शहर में, जीअं पब्लिक खे ख़बर पए, पब्लिक सुञाग थिए। हिननि खे किथां ख़बर पई त हिकु गाॾी राति जो 9 बजे जे आसपास, जंहिंमें भई मिल्ट्रीअ जी, ब्रिटिश मिल्ट्री आहे, उहो ताम सां नॉमिनेशन टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट इन सिंध। त पोइ हिन पंहिंजे दोस्तनि खे जल्दी कठो करे हुन फिश प्लेट रिमूव करण जे लाइ होॾे विया। दोस्तनि खे चई तव्हां हुते वियो, असां 3 ॼणा हुते वञूं था, ॾिस कयूं था कोशिशि। हेमू जन ॾिठो भई शकी माण्हू आहिनि, अचनि था कुझु असांजे करण जे लाइ। पंहिंजे ॿिन्ही दोस्तनि खे चई तव्हां भॼजो, मां फेस कयां थो। आख़िर हेमू पकिड़िजी वियो। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल रिचर्डसन हुनखां ई रिक्वेस्ट कयो त हे नंढो ॿार जा स्टूडेंट्स आहे, शागिर्द आहे, हिन जी सज़ा घटाई वञे। हुन हितां छा कयो भई यंगस्टर खे हिकिड़ो सबक सेखारण जे ख़्याल खां हुन हितां सज़ा वधाई, फांसी कई। हुननि बि इहा ॻाल्हि न मञी। आख़िर सुभाणे ते असांखे टेलीग्राम मिली, टेलीग्राम 19 जनवरी जी 1943 जी आहे, जेका असांजे 20 तारीख़ मिली त 21 जनवरी ते सुबुह 7 बजे खे फांसी ईंदी। ॿिनि माइटनि खे हू चए थो तव्हां रो छो था, फांसी मूंखे अचे तव्हां आशीर्वाद कयो त मां जीअं वरी जल्दी जनम वठी इहो कमु पूरो कयां। सिखनि जे दरवाजे खां ॿाहूं ॿाहिरि कढी करे
मुख्य माफ कर पाए चाहे तो मैं एक कम अध में छे वा तो यो पूरा कज हेमू कालानी जो नालो हिंदुस्तान के इतिहास में सोनन अखरन में लिखे वो है। हिंदुस्तान की आज़ादी लाए सिंध में भी काफ़ी स्त्रियों हिस्सों वरतो आज़ादी लाए उन्हें सोन दिनो पैसा दिना आज़ादी लड़ाई लड़ने लाए उन्हें विदेशी कपड़ा साड़िया लून ठायों घर घर वही करे अखबारों विरायूँ ताकि मानुन में जनता में आज़ादी की अवेयरनेस जागे। सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सेना में भी काफ़ी सिंध हिस्सों वरत मुझे फौज में शामिल किया तन मन धन से देश की सेवा की। आखिर हिंदुस्तान के आज़ादी मिली हिंदुस्तान पैंजे आज़ादी की लड़ाई से अंग्रेजन के हुकूमत जो जंजीरों तोड़ू आज़ादी हासिल कई सदे हिंदुस्तान में खुशी फैलजी लेकिन इन आज़ादी से गद लखे मानू के इन आज़ादी की कीमत गोढ़न खून से अदा करी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के विरहांगे की मार सभी का मार सभा जुड़न सिंध सिंधन के पैं प्राण पैं देश छड़नो पो सिंधी दर बदर बेघर थी उन्होंने सिंध छे जमीन जायदाद छे धंधा छे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैलनो धंधे लाए रोजगार लाए हिफाजत लाए सलामती लाए छाकाण जो सारी सिंध पाकिस्तान की सिंधी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आया निर्वासी करे ना हमेशा रहने आया लेकिन साण खी आया एक शानदार इतिहास एक खूबसूरत तहजीब शानदार रीति रिवाज मेहनतकश इंसान हुआ इंडस्ट्रियस हुआ मेहनती हुआ पान सा गद खी आया ईमानदारी सच्चाई लगन सिंधन हमेशा पैं पान से भाड़ घुरी खाण का उनके नफरत हुई मेहनत में विश्वास हो यकीन हो इन विश्वास के करे ना यकीन के करे उन्हें सफलता में बुलंदी हासिल कई हर मुकाम से पौता हर सफलता से पौता पैंजे मेहनत से पैंजे विश्वास से दोस्तों आज वो इंडस्ट्री के टॉप ते आन बिजनेस के टॉप ते आन सिर्फ मेहनत से सच्चाई से ईमानदारी से कारखाना खोलिया स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल शुरू किया सिंधन विदेशन में भी काफ़ी मेहनत से नाणो कमाया शोहरत कमाई बुलंदी हासिल की ओनरशिप फ्लैट जो सिस्टम भी सिंधन ही शुरू किया हाउसिंग में एक क्रांति आंदी भारत देश तो पैर ही उन्होंने जो हुई इन देश में अची करे इन देश की संस्कृति अपनाईंदा व्या खीर में खंड जडे सिंधी लगभग पैंजे पैरन ते खड़ा थी व्या कामयाबी हासिल क्यों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली तदे उनके पैंजा अधिकार पैंजा हक याद आया उनके एहसास थियो तो असा सोशली ए पॉलिटिकली निग्लेक्टेड है असा के सामाजिक ए सियासी तौर नजरअंदाज कर न असानी पैं असेंबली है न असाजा पैं एमएलएज जेके असाजा मसला पैंजा प्रॉब्लम्स असेंबली में पेश कर सकन या पार्लियामेंट में पेश कर सकन असा के पैं वजूद सिंधियत सिंधी जुबान खतरे में लगन लगी वी मस्ट गेट आर लेजिटिमेट राइट्स असां के पैंजा जायज़ हक मिलनी खपन उन लाइ असां के गच्ची करे आवाज़ उठाणो आ ए मर्कजी सरकार ताईं पहुंचाणो आ काफ़ी संस्थान कोशिश कई तो भई सिंधी मुसाइला सिंधी प्रॉब्लम्स सरकार के अगर पेश किया वन ए पेश थे लेकिन कदें भी उन्होंने सरकार ध्यान न दिनों हिंदुस्तान के सभी सिंधन के गच्ची पैंजो आवाज़ मर्कजी सरकार ताईं पहुंचाणो आ पैंजा डिमांड्स मर्कजी सरकार ताईं पहुंचाणा ऐसा के दिसणो आहे त असांखे सिर्फ़ फॉल्स प्रॉमिसिस फॉल्स वादा न मिलनि उहे वादा पूरा थी कया वञनि लेकिन हाणे असांजूं चार पीढ़ियूं गुज़री चुकियूं आहिनि हिंदुस्तान जे पॉलिसियुनि खां पोइ असांजी डिमांड्स चाइल्ड डिमांड्स यकीननि पूरी कंदियूं
वेल सुम्हण जी नाहे भाऊ वेल सुम्हण जी नाहे वेल सुम्हण जी नाहे भेनर वेल सुम्हण जी नाहे असां के असां जे वॾनि सिंधीअ में इल्मु ॾिनो सिंधी सेखारी ऐं अॼु असीं सिंधी ॻाल्हाए रहिया आहियूं असांखे पुछणो आहे त असां पंहिंजे औलाद खे उहा ॻाल्हि तस्वर कई आहे कोन कई अथऊं सिंधी त ज़रूरु बचाइणु खपे पंहिंजी क़ौम लाइ ई असांखे ज़रूरु करणु घुरिजे दुनिया जे बोलनि खे जातई सिंधी वेठ बुलाए पाण बि अकपट सुहिणा सिंधी वेलनि वेही आहे सिंधियत ऐं सिंधी ॿोली कचड़नि खे ॾे थो विराहे सिंधी ॿोलीअ खे ज़िंदा रखणो अथव त असांखे पंहिंजी सिंध खपे सिंध जी हाणे थी कोन थी सघे त घटि में घटि न ॿोलीअ खे बचायूं जे ॿोलीअ खे न बचायोसीं त सिंधी किथे बि न बचंदा असां सिंधियुनि में एकता जी कमी बिल्कुलु कोन आहे तन मन धन लॻाए करे सिंधियत लाइ कुझु करण वारनि जज़्बाती दीवाननि ऐं परवाननि जी कमी बि कोन आहे त दोस्तो अचो असीं पंहिंजे अटल इरादे सां लगन सां वफ़ादारी सां पंहिंजे अधिकारनि लाइ ज़ोरदार घुर कयूं हिंदुस्तान में पंहिंजे हक़नि लाइ घुर करे उन्हनि खे हासिल करण लाइ हिंदुस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ज़रूरी आहे जो मुश्किल त आहे लेकिन दोस्तो नामुमकिन बिल्कुलु कोन आहे छो जो दोस्तो मंज़िल केतिरी बि मुश्किल ऐं दूर छो न हुजे केतिरी बि मुश्किल हुजे केतिरी बि दूर हुजे असीं पंधु कंदासीं असीं उन ई रस्ते ते पंधु कंदासीं जो असांजी मंज़िल न थो वञे ऐं यकीन रखो दोस्तो विश्वास कयो हिकु ॾींहुं सफलता असांजा कदम ज़रूरु चुमंदी दोस्तो चओ त मां सिंधी आहियां मूंखे सिंधी हुअण ते फ़ख़्रु आहे नाज़ आहे मां प्रतिज्ञा कयां थो त मां पंहिंजे घर में कुटुंब सां ऐं ॿाहिरि दोस्तनि सां हमेशह सिंधी में ॻाल्हायां सिंधी में ॻाल्हायां सिंधी में ॻाल्हायां जय झूलेलाल